जेल रोड स्थित मुख्य डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक वीर सिंह ने बताया कि भारत और प्रदेश सरकार की इस समय बहुत लाभकारी योजना चल रही है, जिसे सुरक्षा का वादा नाम दिया गया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट वीर सिंह ने बताया कि इस सुरक्षा का वादा योजना में व्यक्ति को मात्र 399 रुपए का बीमा कराना है। किसी दुर्घटना में अगर ये बीमा करा चुके व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाता है तो उसे बीमे के रूप में 11 लाख रुपए डाक विभाग की ओर से दिए जाएंगे। प्रवर अधीक्षक वीर सिंह ने बताया कि इसके अलावा विभाग को सरकार द्वारा अपना सभी कार्यों का लक्ष्य पूरा किए जाने के लिए 2.5 माह का समय दिया गया है, जिसमें उनके विभाग द्वारा गांव-गांव में मेले का आयोजन कर लोगों ग्रामीणों को डाक विभाग की चल रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मौजूदा हालातों में चल रही योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, बचत खाते के लिए भी लोगों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने सभी योजनाओं के विस्तार से जानकारी भी दी है, जिससे जनपदवासियों को इनका लाभ प्राप्त हो सके। सर, इस समय हमारा सुरक्षा का वादा अभियान चल रहा है, इसके साथ साथ डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और सुकन्या समृद्धि खाते एवं बचत खातों का अभियान चल रहा है। जो हमारे बकाया समय है 2.5 महीने का, इसके अंतर्गत हमको जो आवंटित लक्ष्य है उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए हम गांव-गांव में और शहरों में मेलों का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार करके आवंटित लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकें और डाक विभाग की जो सेवाएं हैं उनका आम जनता तक लाभ पहुंच सके। कितना टारगेट दिया गया सर डाक विभाग को? हर चीज़ का अलग अलग टारगेट निर्धारित किया गया है। डाक जीवन बीमा का अलग है, बचत का अलग है और ये सुरक्षा का वादा इसका अलग है। सुरक्षा का वादा में क्या क्या है इसमें लाभार्थी के लिए? सुरक्षा का वादा में 399 रुपये में 11 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्क कवर है दिया गया है। किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है अथवा घायल हो जाता है, अपंगता हो जाती है, तो उसको 11 लाख रुपए का क्लेम दिया जाएगा। ये इससे सस्ता कोई भी बीमा हो नहीं सकता। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और टाटा AIG के साथ कोलैबोरेशन से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये इंजर्ड में है या ये बीमा या किसी बॉडी के कोई अंग खराब होने पर? एक्सीडेंट में कोई भी अंग भंग होने पर, कोई भी बॉडी का पार्ट खराब होने पर भी उसका पूरा क्लेम दिया जाएगा। तो कहाँ अप्लाई करें इसके लिए, आवेदन करें? इसके लिए आवेदन की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी भी कस्टमर को डाकघर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पहले एक खाता खुलवाना पड़ेगा, उसी के माध्यम से इसका लाभ दिया जाएगा। नज़दीकी शाखा डाकघर या डाकघर में कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिए कोई आयु की कोई सीमा नहीं है। किसी भी आयु का व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। कोई अपील करना चाहेंगे सर जनपदवासियों से? जनपदवासियों से मेरी अपील ये है कि ये इतने सस्ते में कोई बीमा नहीं है। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी है, हर आदमी रोड पर है, तो हर आदमी को 399 रुपये कोई माने नहीं रखता। मुश्किल से 1-1.5 रुपये रोज का मतलब एक खर्चा आता है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने ऊपर सुरक्षा के लिए हम इतना 399 रुपये खर्च कर दें तो ये कोई